वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस आ चुका हूं मैं कोड डुओ के गेम प्ले के साथ। और गाइस चार टीमें आ रही हैं और हमारी मिलाकर पांच, तो पूरी तबाही होने वाली है। और ये नया इवेंट आया था, तो पहला मैच खेला इस इवेंट में, तो गाइस पूरा मजा आएगा। अंदर और भी नई चीजें मिलेंगी देखने को, तो पूरा मैच देखना, मजा ही आ जाएगा। तो गाइस जल्दी से उतरते हैं। और गाइस उतरते ही मेरा पैर यूएमपी पे लगा। वाह क्या सही है, गन उतरते मिल गई। और सामने मुझे दिखती है डीपी, तो मैं जल्दी से डीपी उठाता हूँ और मैं पीछे यूएमपी की बुलेट छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है बुलेट्स की। तो और गाइस एक टीम देखो सामने घरों में भी उतर चुकी है, तो पता नहीं अब बहुत ही बंदे आए हैं गाइस, और बाद में और बंदे भी आते जाएंगे यहाँ पे। तो पूरा मैच देखना, पूरा मज़ा आएगा। तो इतने मेरे टीममेट को यहाँ पे गन तो मिली नहीं थी, तो मैं उसको यूएमपी दे देता हूँ। इतने मुझे सामने बंदे दिखते हैं दो लड़ते हुए राइट साइड में, तो मैं जल्दी से पहले इन दोनों को बंदों को ख़त्म करता हूँ। भाई आपस में क्या लड़ रहे हो, मैं ही मार देता हूँ। तो मैं जल्दी से इन दोनों को ख़त्म करता हूँ। इतने में गाइस मेरे को सामने एक भैया जी दिखते हैं, तो मेरे को पहले तो दिखे नहीं, एकदम से ही सामने से आए और हम मुझे दिख चुके थे। भैया जी नीचे गिर चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं नीचे जाऊँगा तो पक्का मेरे को मारेंगे, ऊपर से ही मारते हैं इनको। तो गाइस पहले तो मेरा एम बिगड़ा, उसके बाद तो मैंने मार ही दिया। इतने में अपने टीममेट को बोलता हूँ कवर दे मेरे को, मैं रीलोड कर रहा हूँ। तो मेरे को कवर देता है, फिर देखते हैं इसके टीममेट को। तो गाइस इसका टीममेट हमें तो नहीं लग रहा था लड़ाई के मूड में, पता नहीं कहाँ ही होगा। तो हम जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। और यहाँ से मुझे मिल जाती है M4, जो कि 23 गोलियों के साथ मिली सिर्फ, जो कि किसी काम की नहीं, बस थोड़ी बहुत काम आएगी। तो गाइस अब इसका एक टीममेट था हमें ढूंढना था। और गाइस हमें इसके ऊपर से एक आ रहे थे फुटस्टेप्स, हमें लग रहा था ऊपर बंदा है, तो मैं जल्दी से यहीं से देखता हूँ ऊपर। फिर लग रहा था एकदम नीचे ही बंदे थे। तो गाइस मैं इतने इधर आता हूँ, भैया जी यहाँ पे टीपी पी लेने लगे। उतने में मेरी सारी गोलियाँ दीवार पर लगी और भैया जी हमारे टीममेट को नॉक करके चले जाते हैं। तो मैं सोच रहा था भाई अब मुसीबत हो चुकी है। इतने में गाइज अब देखो पीछे से एक और स्कोर आ चुकी है। तो अब गाइज मेरी इतनी फट चुकी थी भाई, अब तो पता नहीं क्या ही होगा, सैंडविच बनने वाला था हमारा। तो मैंने भैया जी को थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया, फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पे भाई फंस गए आप, तो पूरे बंदे यहाँ पे उतर भी चुके हैं। फिर मैं सोचता हूँ अभी इसको एक और बंदा अंदर दिखता, तो मेरे को लग रहा था भाई सोलो होगा, तो मैं जाने की सोचता हूँ, तो फिर दिखते हैं एक और भैया जी हमारे। तो मैं फिर सोचता हूँ अपने टीममेट को यहाँ पहले आराम से रिवाइव देते हैं, फिर अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे इन बंदों को। तो इतने गाइज एक और टीम आती है इधर। अब गाइज देखो क्या ही स्कैम। तो गाइज मैं जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ और अपनी हेल्थ भी पूरी कर लेता हूँ। जो अब गाइज एक और नई टीम आई है, उसको देखो क्या ही पेलूगा। बस गोलियाँ ख़त्म होने वाली थी, फिर भी मैंने पेल ही दिया। यहाँ पे पहले थोड़े पौए मार लेते हैं, क्या पता पौए जान बचा लें। तो गाइज मैं सोचता हूँ यहाँ से तो भैया जी दिखेंगे नहीं, यहाँ आराम से देखते हैं। और इतने में गाड़ी रुकती है और भैया जी ऊपर चढ़ने भाग रहे थे, तो मैं जल्दी से एक भैया को तो नॉक करता हूँ। इतने में दूसरा बंदा मेरे को देखने लगता है, तो उसको M4 से ख़त्म करते हैं। M4 की बस 23 गोलियाँ बची थी, अब 6 गोलियाँ बची है। तो गाइज इस टीम को तो हमने ख़त्म कर दिया। इतने में हमें दो बंदे और अंदर दिख रहे थे, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ जल्दी आ जाए, लूटते हैं इनको सबको, बहुत लूट लेके आए थे हमारे भैया जी। तो गाइस मैं वहाँ से डीपी छोड़ के यहाँ बैरल ले लेता हूँ, क्योंकि क्लोज रेंज में डीपी हमेशा हकती है और बैरल हमेशा साथ देगी। तो गाइस मेरे को यहाँ पे बैरल और दिखती है, तो मेरे पे गोलियाँ तो कम थी, तो मैं यहाँ से बैरल और उठा लेता हूँ। यहाँ मेडिकल भी ले लूँगा, क्योंकि ऊपर जाके फाइट लेनी है इनसे भी और एक मम्मी से भी हमारी ऊपर बैठी हुई है जो एलियन सी। तो गाइस उससे देखना क्या ही मारेंगे उसको, और बढ़िया सामान दे के जाएगी वो मम्मी हमको। तो गाइस अब ये उड़ने में सिर्फ रह गया था 45 सेकेंड्स बस। तो हमें पता था भैया जी हमारे दोनों के दोनों ऊपर बैठे हुए हैं, तो मैं रिस्क लेके ऊपर जाता हूँ। भाई सामने भैया जी दिखते हैं, तो जल्दी से एक बंदे को नॉक करके मैं नीचे जाता हूँ, पर भैया जी मुझे थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं। फिर मैं अपने टीममेट को बोलता था तू जा, वो तेरे को मारने लगेगा, मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। तो वही होता है गाइज, और जल्दी से इनको ख़त्म करते हैं और हम इनको लूटते हैं। इतने में गाइज हम इनको लूटेंगे ही, पर ये हमारा प्लानेट हवा में उड़ के चला जाएगा। तो गाइज हम इनको लूट ही रहे थे, इतने में यहाँ पे एक और टीम आती है, बेचारी थोड़ी लेट हो गई, यहाँ पे बस 2 ही सेकेंड रह गए थे हवा में उड़ने में। तो जल्दी से वो इतने पहुंचती है, हमारा प्लेनेट हवा में उड़ के चला जाता है। और भैया जी यहाँ से गाड़ी लेके भागते हैं, मैं सोचता हूँ थोड़ी आगे जाके देखूँ भाई, क्या पता दूर से मैं ऊपर से मार दूँ इनको, पर भैया जी हमारे को कहीं दिखते ही नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ आराम से खड़ा होकर पहले देखता हूँ दिखे कोई, पर कोई नहीं दिखता। फिर मैं सोचता हूँ अपनी हेल्थ पूरी करते हैं, अंदर जाके एलियन से भी लड़ाई करनी है अभी। तो गाइस एलियन की लड़ाई में पूरे मज़े आने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही बंदे होंगे, 2 बंदों को एलियन को मारने में बहुत मुश्किल होती है। तो गाइस देखते जाओ फुल मज़ा। तो गाइस इतने में अंदर आता ही हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ कितने नेड ले रहा है, तो क्योंकि मम्मी को नेड से बहुत डैमेज मिलता है। तो मेरा टीममेट नेड उठा के भाग जाता है, मेरा बैग फुल था क्योंकि, तो मैं अपने टीममेट को वापस बुलाता हूँ, भाई मेरा नेड वापस दे। तो मैं उसको स्मोक दे देता हूँ और उससे नेड वापस ले लूँगा, क्योंकि नेड से सही मरते हैं भाई। तो मैं जल्दी से उससे नेड वापस लेता हूँ और करते हैं इसको एक्टिवेट और बुलाते हैं इस मम्मी जी को अपनी।
तो गाइस जितने हमने एक्टिवेट तो कर दी, फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ अभी मत करियो एक्टिवेट, क्योंकि मेरे को हेल्थ पूरी करनी थी अपनी। तो जल्दी से उसने भी एक्टिवेट कर ही दी थी, मैं इतने पौए मार ही रहा था और मम्मी पहले ही आ चुकी थी हमारी। तो गाइस देखो अब क्या ही पेलेंगे इसको, तो मैं जल्दी से मारने की कोशिश करता हूँ। पहली बार ही मेरे को मारा मम्मी जी ने, तो मैं सोचता हूँ भाई गोलियों से तो छोड़ो, गोलियों से मारना ही नहीं, पहले नेड़ फेंकेंगे दोनों इनके ऊपर फिर मारेंगे इनको। तो गाइस पहला नेड़ फेंका, अब हेल्थ देखना गाइस कितनी कम हो जाएगी इनकी। तो मैं जल्दी से सांपों को मारता हूँ और इनसे गोलियाँ उठाता हूँ पहले। तो गाइस जल्दी से मारते हैं। अब गाइस इन हेल्थ देखो कितनी कम हो चुकी है, तो मैं जल्दी से अब दूसरा नेड़ भी यहाँ पे पूरा करके फेंक दूँगा। अब गाइस देखो कितनी हेल्थ हो चुकी है इस मम्मी जी की हमारी। पर अब गाइस जो देखो हमने इतनी हेल्थ कम करी, पर मम्मी जी अपनी फिर से हेल्थ पूरी करने वाली थी। तो मैं जल्दी से भाई मारता हूँ और मेरे टीममेट को भाई ये नॉक कर देती है, तो थोड़ी सी हेल्थ रह गई थी इन पे, तो जल्दी से इन्हें ख़त्म करते हैं और अपने टीममेट को देता हूँ रिवाइव। तो मम्मी जी को हमने ख़त्म कर दिया इधर, और जल्दी से जाते हैं भाई अपने टीममेट को रिवाइव देने, फिर लूटेंगे इस ड्रॉप को। और गाइस ड्रॉप में देखो क्या ही मस्त माल मिला, दोनों टीममेट्स को अपना हेलमेट वेस्ट और एक ग्रोजा और एक ओम और एक जिली बाबा का सूट भी मिला। तो हम गाइस अब ये बाहर आते हैं, और अब सोच रहे थे यहाँ से कूद जाते हैं क्योंकि 3 मिनट रहते थे और बंदे बहुत थोड़े रह गए थे, किल थे नहीं। तो मैं जल्दी से यहाँ पोचिंकी में कूदता हूँ, तो मेरे को लग रहा था पोचिंकी में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो मैं जल्दी से इधर कूदते हैं और देखते हैं इन बंदों को। तो गाइस जल्दी से पोचिंकी में कूदते हैं, और अब मैं सोचता हूँ यहाँ पे घर लूटते जाऊँ भाई, क्योंकि एक्सटेंडेड मैग नहीं था मेरे पे, एक्सटेंडेड मैग मिल जाए क्या पता। और गाइस वही होता है और एक्सटेंडेड मैग मुझे मिल जाता है। तो मैं अपने टीममेट को यहाँ पे 5 की गोलियाँ मांग रहा था, तो मैं उसको मार्क करके दे देता हूँ भाई। तो गाइस इतने में बाहर निकलता हूँ तो मुझे राइट साइड से आती है एक बग्गी की साउंड, तो मेरे को लग रहा था पक्का मंदिर के अंदर बग्गी आई है। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ जल्दी आ साइड में। तो गाइस अब देखो क्या ही पेलूँगा इनको। तो पहले तो गाइस मैं देख रहा था कि इतने दो बंदे हैं, एक है, तो मेरे को बाद में दिखता है भाई दोनों भैया जी हमारे। तो गाइस देखो क्या ही हगा मैंने यहाँ पे, इतने बंदों को पता लग गया भाई यहाँ पे बंदे आ चुके हैं, पर भैया जी अभी भी अपनी मुंडी मेरे को आराम से दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जल्दी से सर फोड़ता हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ जल्दी से रश कर दे। पर गाइस वो वहीं पे नेड़ कुक करके पहले ही फेंक देता है, हमारे पहुँचने से पहले ही बंदे को फिनिश कर देगा वो। पर गाइस मैं पूछता हूँ अपने टीममेट से, पूरा ओल्टेड हो गए क्या? कहता नहीं, यहाँ पे एक और बंदा भी है अभी। तो इतने उसको डैमेज देता है, पर भैया जी मैं पीछे से जाके ख़त्म करता हूँ इनको। अब इनको लूटते हैं और फिर इनकी बग्गी लेके चलते हैं इधर से। तो गाइस हम वहाँ से निकलते हैं, तो हमारे को दिखते हैं दो भैया जिस कोड हाउस में कैंप करते हुए। तो मैं जल्दी से बग्गी को इधर रोकता हूँ और अपने टीममेट को बोलता हूँ नेड़ से फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस अब देखो एक नेड़ को करके मैंने फेंका ही है, मैं उधर फेंकूँगा, पर वो ग्रिल पे टप्पा खा के वापस मेरी तरफ आ गया। और इतने में आप एक भैया जी दिखे थे, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया था, पर मेरे टीममेट ने उसको ख़त्म किया। फिर मैं सोचता हूँ इसके टीममेट को पूरा फिनिश करूँ। अब गाइस देखो कितना डैमेज दिया, पर क्या ही हुआ पता नहीं, मैं ही नॉक हो गया। और हेलमेट वाइज अभी भी मेरे पे बिल्कुल सही थी। बस मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ जल्दी अंदर चलो और मेरे को रिवाइव दे, फिर चलते हैं दूसरे बंदों को देखने। तो गाइस हम यहाँ से अब निकलते हैं, तो सामने दिखती है हमें ड्रॉप, हमें लग रहा था क्या पता ड्रॉप पे बंदे हों। तो मैं पहले एक गाड़ी यहाँ रोकता हूँ, इतने मुझे आती है राइट साइड से गन शॉट की आवाज़। तो भाई यहाँ मेरे को पता लग चुका था स्क्वाड हाउस में पक्का बंदे हैं। तो अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई गाड़ी लेके इधर आ जा, इतने मेरे को भैया जी यहाँ दिखते हैं। तो पर मैं सोचता हूँ अब ना मारूँ, क्या पता नीचे आ गया मेरे को अपने मुंडी दिखाएं। पर गाइस भैया जी भी मेरे को पहचान गए थे, भैया जी ने मेरे को देख लिया था नीचे से। तो गाइस अब देखो क्या ही पेलूँगा इनको। तो पहले मेरे को लग रहा है यहीं से अपनी मुंडी दिखा के हमको मारने की कोशिश करेंगे, पर भैया जी हमारे चलाक यहाँ से अपनी मुंडी नहीं दिखाते, राइट साइड चले जाते हैं छोटी खिड़की में। तो मुझे भैया जी दिख जाते हैं और अपनी अब छोटी सी मुंडी दिखाएंगे और करते हैं इन्हें ख़त्म। तो मेरा टीममेट बोलता है गाइस उधर बान हाउस में बंदे हैं, तो उसके पास M24 थी क्योंकि उस बंदे पर Level 3 का हेलमेट था। तो उसने एक शॉट मारा था पर वो मिस हो गया। तो मैं देखता हूँ भाई मेरा भी पहला शॉट मिस हुआ, पर दूसरा शॉट मैं मिस नहीं करने वाला था। तो जल्दी से नॉक करते हैं और चलते हैं सीधा रश करने। अब तो अपने टीममेट का बोलता हूँ जल्दी बैठ, अब सीधा रश करते हैं उनके ऊपर। तो गाइस जल्दी से हम इधर आते हैं और अपने टीममेट को बोलता हूँ नेड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अब देखो पहला मैं नेड़ कुक करके फेंकने वाला था, पर मैं ज़्यादा आगे हो गया, फिर कैंसिल करना पड़ा मेरे को नेड़। इतने मेरा पीक भी हो गया यहाँ से, पर मेरा टीममेट भाई एक नोकी कर दिया उसने। तो मैं सोचता हूँ भाई अपना नेड़ कक करके फेंकूँ, क्या पता मिल जाए किल, पर यहाँ से किल नहीं मिलता। पर मेरा टीममेट दूसरी तरफ से भी नेड़ करके फेंकता है, मैं ऊपर जाता हूँ सीधा रश करने, पर भैया जी के पास ही नेड़ पड़ा था। मैं भी नीचे भागता हूँ, वो भी भागते हैं, पर नेड़ फूटता है और उसी टाइम मैं रश कर देता हूँ। तो करते हैं इनको ख़त्म। तो अब गाइस सिर्फ दो ही बंदे बचे थे, तो इनको अब लूटते हैं और फिर दो बंदों को देखने चलते हैं भाई कहाँ ही बैठे होंगे। तो गाइस हम आते हैं अब सीधा इस तरफ, क्योंकि सर्कल बहुत बड़ा था और सिर्फ दो बंदे रह गए थे। हमें लग रहा था यहाँ पता नहीं कैंप करके बैठे हों, पर यहाँ कोई फुटस्टेप्स नहीं आते। तो मैं वापस बग्गी को मोड़ता हूँ, पीछे डासिया खड़ी थी, डासिया लेके चलेंगे क्या पता।
बग्गी में भाई हमेशा लगते हैं। तो गाइज इतने में इधर आता हूँ, मेरे को लग रहा था इधर तो पक्का मिल ही जाएंगे, और कोई तो घर रह नहीं रहा था, तो इधर भी नहीं मिले, तो मैं सोचता हूँ दूसरी तरफ देखते हैं भाई। पर दूसरी तरफ गाइज भैया जी हमारे मिल जाते हैं, तो इसी घर में भैया जी मिलते हैं। तो मैं गाइज देखो पीछे से एकदम फुटस्टेप्स आते हैं और भैया जी मार देते, पर भाई क्या ही बचा मैं। तो मैं जल्दी से रीलोड करता हूँ और भैया जी अंदर बैठे थे, और गाइज देखो क्या ही एड्रेनलिन ने आज मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं पक्का नोक होता। ये था गाइज आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, और हाँ गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन।